Hey, what's up guys, Abhinash here. Welcome back to new video. तो guys, आज के वीडियो में हम recreate करने वाले हैं famous Netflix series Dark. तो guys, without any further ado, let's get started. ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं और फर्स्ट इफेक्ट आपने जो इफेक्ट देखा वो था क्लोथिंग कलर चेंजिंग इफेक्ट. तो गाइस इसी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्लेन कलर का किसी भी कलर का आप एक जैकेट पहना या फिर किसी भी क्लोथिंग पहनना, जैसे कि मैं यहाँ पर रेनीकोट पहना हूँ. एक्चुअली में रेनीकोट ब्लू था. आपका शॉर्ट शूट करना है, प्रीमियर प्रो ओपन करना है एंड एक सिक्वेंस बनाना है 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में. ओके, तो गाइस अब ये हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन में. फिर हमें कलर टैब में जाना है या फिर सिंपली आप लूमिट्री कलर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर हमें HSL सेकेंडरी पे क्लिक करना है. जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का रेनकोट पहना हूँ, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर पिक कर लिया है. इन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है. फिर कलर बार स्लाइड करके आपका रेनकोट का पूरा पोर्शन सेलेक्ट करना है. इसी तरह हमें पूरा रेनकोट का कलर सेलेक्ट करना है. फिर हमें रिफाइन में जाकर डी नॉइज थोड़ा हाई करना है, अराउंड 30 या 35 में रखना है. फिर ब्लोर अमाउंट अराउंड 2 रखना है. फिर हमें कलर व्हील में जाके कलर येलो का अमाउंट थोड़ा हाई करना है. और ज़्यादा रिफाइंड रिजल्ट पाने के लिए यहाँ पर आप शेडोज भी अप कर सकते हैं एंड आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिफोर है एंड ये है आफ्टर. इसी तरह आप कलर चेंजिंग इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं. ऑलराइट, तो गाइज हमने अभी डार्क सीरीज की तरह येलो में कन्वर्ट तो कर लिया है, लेकिन वो जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बैकग्राउंड में सीन था उसी की तरह इफेक्ट हमें बनाना है. तो गाइज अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट इफेक्ट जो है स्काई रिप्लेसमेंट इफेक्ट. ओके, तो गाइज स्काई रिप्लेसमेंट इफेक्ट ट्राइपॉड शॉट में ज़्यादा इजीली हो जाता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर एक मूविंग शॉट कैप्चर किया है. मूविंग शॉट में स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए या फिर अपने जो डार्क सीरीज में देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसी तरह एक इफेक्ट ऐड करने के लिए थोड़ा ट्रिकी है. तो गाइस इसी इफेक्ट को करने के लिए मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर एंड मेक ए न्यू कंपोजिशन ऑफ 1920x1080. यहाँ पर मैं 20 सेकेंड ड्यूरेशन दे रहा हूँ. फिर यहाँ पर कंपोजिशन नेम है, मैं लिख रहा हूँ स्काई रिप्लेसमेंट एंड इट ओके. एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपका फर्स्ट फुटेज. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कम्प्लीटली स्काई अभी ब्लैंक है. अभी हमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक इमेज चाहिए. आप यहाँ पर गूगल सर्च में भी इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर फोटोशॉप में एक इमेज क्रिएट किया है स्काई रिप्लेसमेंट के लिए. आप इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का इमेज भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया. तो गाइस सबसे पहले हमें इसी शॉट को ट्रैक करना पड़ेगा. ट्रैक करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करना है एंड न्यू एंड नॉल ऑब्जेक्ट. फिर हमें वीडियो लेयर को सिलेक्ट करना है. फिर हमें ट्रैकिंग टूलबार में जाना है, ट्रैक मोशन पर क्लिक करना है एंड पोजिशन रोटेशन एंड स्केल में टिक मार्क लाना है. फिर हमें दो पॉइंट ऐसे चूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा डॉट चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें ट्रैकिंग करने में ज़्यादा इजी रहेगा. फिर हमें एनालाइज पे क्लिक करना है एंड ये ऑटोमेटिकली आपका शॉट जो है वो ट्रैक कर लेगा. एंड ये अभी देख रहे हैं ये हमारा ट्रैक जो है कंप्लीट हो गया है.
फिर हमें एडिट टारगेट में क्लिक करना है। हमें जो पहले नॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसी नॉल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है एंड हिट ओके। तो गाइस अभी हमारा शॉट जो है वो अब कम्प्लीटली ट्रैक हो चुका है, तो अभी हम स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो इमेज प्रोवाइड किया था फोटोशॉप में क्रिएट करके, उसी इमेज को आपके टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड जो है डार्कर रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रैकिंग नहीं हो रहा है एंड ये थोड़ा ऊपर भी है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। तो आप शॉर्टकट की पी यूज़ कर सकते हैं आपके पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट साइड में जो टूल बार है पिक क्विक टूल बार, एक राउंड जैसा, इसको ड्रैग करके आपके नॉल ऑब्जेक्ट में छोड़ देना है एंड ये कम्प्लीटली आपका जो इमेज है वो आपके वीडियो के हिसाब से ट्रैक करने लगेगा। इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए आप स्मोक भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं और इसका ओपेसिटी थोड़ा डाउन करके इसको और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं, या फिर आप इसको कलर करेक्शन करके, जैसे कि मैं बताया था HSL सेकेंडरी को यूज़ करके आप ट्रीज़ का कलर भी थोड़ा चेंज करके या फिर कलर करेक्शन कलर ग्रेड करके इसको और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ये बिफोर इमेज है एंड ये आफ्टर इमेज। आप देख सकते हैं ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ऑल राइट, तो गाइस अभी हमारा दो इफेक्ट हो चुका है कंप्लीट, अभी हम बनाते हैं थर्ड इफेक्ट। तो गाइस अभी मैं जो बना रहा हूँ थर्ड इफेक्ट, ये एक्चुअली में जो ट्रैवल मशीन था जो डार्क सीरीज में एक राउंड जैसा गोल्डन कलर का, हमें इसी प्रॉप को बनाना है। तो गाइस इसी प्रॉप को बनाने के लिए मैं यहाँ पर फिश का एक बाउल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक बल्ब भी कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉल या फिर कुछ भी आपका क्रिएटिविटी एंड आइडिया लगा के आप इसी तरह एक प्रॉप भी बना सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फ़िश का बाउल यूज़ किया है एंड ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने यहाँ पर इसका आउटसाइड जो है गोल्डन कलर में पेंट कर दिया। आप भी इसी तरह गोल्डन पेंट में कलर कर सकते हैं, क्योंकि जो डार्क का सीरीज था ये भी गोल्डन कलर का ही था एंड हम यहाँ पर डार्क सीरीज की तरह आप इस तरह आउटलाइन या फिर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट पेंट में कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको बाद में एडिट करने के लिए बहुत ही ईजी होगा, अपने टाइम मशीन को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक फॉर्म यूज़ किया है। ऑल राइट, तो गाइस अभी हमारा प्रॉप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डार्क सीरीज की तरह रियलिस्टिक तो नहीं है लेकिन थोड़ा काम चला होता है। तो गाइस इसी प्रॉप को ग्लो करने के लिए यहाँ पर प्रीमियर प्रो के टाइमलाइन में इसी शॉट को ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले प्रीमियर प्रो ओपन करना है एंड मेक ए न्यू सीक्वेंस ऑफ 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड। फिर आपका शॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके टाइमलाइन पे। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आपके अल्ट बटन को होल्ड करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आपका फर्स्ट शॉट को एंड एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। फिर हमें ओपेसिटी में जाना है एंड मास्क पे क्लिक करना है एंड हमें प्रॉप के अराउंड एक मास्क ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक राउंड शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसी तरह राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें मास्क के फेदर को थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि ग्लो को दिखाने के लिए हमें मास्क के फेदर को अराउंड 100 या 120 रखना है। इसी ग्लो को थोड़ा और दिखाने के लिए आप मास्क को थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। फिर हमें एनालाइज पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर एक प्ले बटन की तरह ही है। तो अभी ये ऑटोमेटिकली आपके शॉट को ट्रैक कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है एंड सर्च करना है टिंट इफेक्ट एंड इसी इफ़ेक्ट को आपके शॉट में अप्लाई करना है टॉप शॉट में। फिर हमें टिंट इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट इफेक्ट सर्च करना है लेवल्स, ये इफ़ेक्ट भी आपके टॉप लेयर के शॉट में ऐड करना है एंड थोड़ा डाउन में जाना है आपके इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में एंड आप ये लेवल के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपके शॉट के हिसाब से। हमें करना ये है कि जो ब्लैक पार्ट है थोड़ा डार्क करना है एंड जो वाइट पार्ट है थोड़ा वाइट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट जैसा हो चुका है, हमें इसी तरह ब्लैक
एंड वाइट में कन्वर्ट करना है। फिर हमें नेक्स्ट इफेक्ट सर्च करना है वी आर ग्लो एंड इसी इफेक्ट को आपके टॉप लेयर में ऐड करना है। फिर हमें यूज टिंट कलर पे टिक मार्क लाना है। फिर हमें गोल्डन कलर की जैसा एक कलर चूज करना है। फिर हमें लूमा थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई करना है, ग्लो रेडियस थोड़ा हाई करना है, हम ब्राइटनेस भी थोड़ा हाई कर सकते हैं आपके शॉट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आप ग्लो एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके आपके शॉट के हिसाब से ग्लो ला सकते हैं। फिर हमें ओपेसिटी में जाना है एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको स्क्रीन करना है। इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए आप कलर ग्रेड भी कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा और भी ग्लो बढ़ा सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिफोर लुक है एंड ये आफ्टर लुक। ओके तो गाइस अभी हमारा तीनों इफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। अभी हम बात करते हैं और नेक्स्ट इफेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट इफेक्ट हमारा जो है वो है टाइम ट्रैवल इफेक्ट या फिर आप वैनिश इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर किसी भी जगह से गायब होने जैसा इफेक्ट है। तो गाइस सबसे पहले हमें दोनों शॉट शूट करना है। सबसे पहला वाला जो शॉट है वो आपका नॉर्मल शॉट शूट करना है, ब्लैंक बैकग्राउंड का शॉट शूट करना है 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड तक भी एक ब्लैंक शॉट शूट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट शॉट जो है आपका शूट करना है वहाँ पर खड़े होकर शूट करना है एंड एक्ट करना है जैसे कि आप वहाँ पर से गायब हो चुके हैं, उसी तरह हमें एक्ट करना है। ओके तो गाइस अभी प्रीमियर प्रो के टाइमलाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैंक लेयर शॉट है एंड ये आपका नॉर्मल शॉट। ये ब्लैंक लेयर शॉट को नीचे रखकर आपका नॉर्मल शॉट ऊपर ड्रैग करके ऊपर के लेयर में रखना है। ओपेसिटी में जाना है एंड ये इलिप्स टूल बार में क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं इलिप्स टूल बार में क्लिक किया। फिर हमें फेदर में जाना है एंड अराउंड 50 रख सकते हैं या फिर 40 भी रख सकते हैं। फिर हमें मास्क पाथ में स्टॉपवॉच आइकन पे क्लिक करना है। फिर हमें इसी मास्क को थोड़ा छोटा करना है। फिर हमें नेक्स्ट फ्रेम में जाना है और भी छोटा करना है। फिर हमें नेक्स्ट फ्रेम में जाना है, इससे भी और भी छोटा करना है, 5 या 6 नेक्स्ट फ्रेम जाकर इसको छोटा करना है। फिर एंड में इसी लेयर को कट करके हटा देना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर वैनिश होने जैसा एक इफेक्ट ऐड कर लिया है। तो अभी हम बनाते हैं इस टाइम ट्रैवल जैसा एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट जैसा कुछ इफेक्ट। तो आप यहाँ पर यूट्यूब से ये ऐसा ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आप इसी इफेक्ट को प्रीमियर प्रो के टाइमलाइन में ऐड करना है। फिर हमें जो ग्रीन स्क्रीन वाला शॉट है उसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाना है एंड सर्च करना है अल्ट्रा की इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हमारा ग्रीन स्क्रीन के शॉट में ऐड करना है और सेटिंग में यहाँ पर अग्रेसिव भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर आपके शॉट के हिसाब से आप कस्टम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें जहाँ पर एक छोटा इलेक्ट्रिक ब्लास्ट जैसा चाहिए उसी फ्रेम में जाके इसका स्केल अराउंड 11 से 15 रख सकते हैं एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने से ये बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा एंड आप यहाँ पर स्टॉपवॉच आइकन पर क्लिक करके स्केल में आप की फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट में छोटा करना है एंड मिड पॉइंट में थोड़ा हाई एंड एंडिंग पॉइंट में छोटा करना है एंड इसको कट करके हटा देना है। आप इसी तरह टाइम ट्रैवल इफेक्ट बना सकते हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिफोर रिजल्ट एंड ये आफ्टर रिजल्ट। ओके तो गाइज ये था आज हमारा नेटफ्लिक्स डार्क सीरीज का रिक्रिएशन इफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी क्रिएटिव फोटोज़, क्रिएटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ एंड सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट टाइम। Peace.